सोरेन ने कहा कि कोरोना से संघर्ष में जनता के सहयोग से अब तक राज्य सरकार को अपेक्षित सफलता मिली है, पर संघर्ष अभी जारी है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि सीएम ने कहा कि जनता को बीच बीच में रियायतें मिलती रहेंगी। नए आदेश के अनुसार पहले जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध था वो भी आगे जारी रहेगा, यानी धार्मिक स्थान पर लोगों के जमा होने पर मनाही होगी। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण स्थान बंद रहेंगे। बसों के जरिए आवागमन बंद ही रहेगा, यानी कि राज्य में अगले आदेश तक बसें नहीं चलेंगी। झारखंड में शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। राज्य में सैलून, स्पा, बाबर शॉप आदि भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर मनाही होगी। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के काम पर कोई रोक नहीं होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी जाती है। शादी में 50 लोगों के ही जमा होने की इजाजत होगी। सभी को मास्क पहनना होगा। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को ही इकट्ठा होने की इजाजत होगी। दुकानों में 1 बार 5 से ज्यादा व्यक्ति जमा नहीं हो पाएंगे। दुकानदार और ग्राहकों दोनों के लिए ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।